नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अयोध्या, प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे अयोध्या, जहां रुदौली स्थित कामाख्या माता रानी आगे माथा टेका और दर्शन पूजन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कामाख्या माता का दर्शन करने का मुझे आज अवसर मिला। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रयास है कि गांव में चौपाल लगाकर गांव की समस्या सुना जाए और हर ग्राम सभा में लगाई जा रही ग्राम चौपाल, कसारी गांव में चौपाल लगाए जाने के कार्यक्रम में मुझे मिला है अवसर। सरकार हमारी गरीब कल्याण को समर्पित और डबल इंजन की है। सरकार डबल इंजन की सरकार है, लगातार डबल रफ्तार से राज सेवा करने का कर रही है काम। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव के कार्यों की तारीफ, कहा पिछले कार्यकाल के रूप में मुझे खुशी है कि विधायक रामचंद्र यादव का जो प्रयास था उसी के परिणाम स्वरूप एक अतिथि गृह व मार्ग भी बनकर है तैयार। माँ गोमती नदी का सेतु भी बनकर है तैयार। कई उपलब्धियों का बहुल क्षेत्र है, आने वाले समय में और भी होगा अच्छा। आइए जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने क्या कहा। अयोध्या संवाददाता बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। माता कामाख्या के दरबार में उनके चरणों में प्रणाम करने का, दर्शन करने का अवसर मिला। फिर हमारे सरकार के द्वारा लगातार प्रयास है गांव की समस्या, गांव में समाधान, सरकार जनता के द्वार, और उसके लिए लगा रहे हम लोग हर ग्राम सभा में ग्राम चौपाल। और इसी के क्रम में आज मुझे कसारी ग्राम सभा है वहाँ पर चौपाल के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। और हमारी सरकार चूँकि गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार लगातार डबल रफ्तार से राज्य की सेवा करने का काम कर रही है। और पिछले कार्यकाल की उपलब्धि के रूप में आज मुझे खुशी है कि रामचंद्र भाई का जो प्रयास था हमारे विधायक का, उसके परिणाम स्वरूप एक ये अतिथि गृह भी यहाँ पर बन करके तैयार है, यहाँ का मार्ग भी बन करके तैयार है, यहाँ पे माँ गोमती की नदी पर सेतु भी बन करके तैयार है। तो कई उपलब्धियों का एक तरह से यह हमारे लिए क्षेत्र है और आने वाले समय में और अच्छा करें।